अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? छठवा रोजा है, ये मेहर का टाइम है। मैं तारीख की नमाज अदा करी। संडे 3:30 बज रहे, छठवा रोजा है, तहज्जुद का नमाज अदा हो गई। फ्रेंड्स अब मैं बनाई भिंडी फ्राई खाना, टिक्की दाल। आज शहर में रयान भी उड़ते बोले, आज उनको उठाना है शहर के लिए। शहरी का भी टाइम होता 4 बजे से शहर। फ्रेश में है भिंडी, पर मैं कुकर में दाल धो के डाली, थोड़ा हल्दी और ज़ीरा, लहसुन की कलियाँ। फीकी दाल बना रही मैं शहर में, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसी कुकर का लीड लगा के चढ़ा देती। इधर भिंडी भी हो रही हमारी फ्राई, भिंडी के साथ रोटी खाना, फीकी दाल, पापड़, दही की मिर्चियाँ, ये सब है हमारे शहर में। चलो भिंडी हो गई, स्टोव ऑफ कर देती मैं। ये स्टोव पे कुकर की विजिल से कुकर लगा रही। हस्बैंड उन्होंने नहीं उठे अभी, रयान को भी उठाना है। रयान से है करके बोले, देखनी है उनका रोज़ा रहता या नहीं। उनको तो रोज़ा रखने का नहीं है, एक्चुअल नेक्स्ट डे रखने का है, उनकी रोज़ा रखी करना है। इधर रोटी भी हो रही, देखिए कैसा रहता आज का दिन, क्या नहीं। चलो रोटी भी बन गई, यहाँ पर देखेंगे दाल भी आउटी। मैं ऐड करती हूँ कड़ी पत्ता और कुटनी डाल के अच्छे से उबाल लेना है दाल को थोड़ा सा। स्मेल अच्छी आए टिक्की दाल की, वो गरम गरम खाना, टिक्की दाल, अचार, देखो मिर्चियाँ और पापड़ कर लिए। चमचे और लोग सही करने के लिए बैठे हैं, पर खाना निकल के शहर में उठे रहे हैं सैर करने के लिए, रोज़ा रह रहे। हाँ नींदिश नहीं है पूरी तुम्हारी, मिर्ची खाते रहे हैं। क्या Thank you.
चाय बर्तन। मैं फजर की नमाज भी पढ़ रही, रयान सहर करके सो गए और साजिद हस्बैंड दोनों मस्जिद थे नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के मैं भी सो जाती, बर्तन भी हो गए धोना, संडे भी है, लेट उठते थोड़ा, बच्चों को भी स्कूल भी नहीं है, 2-3 घंटे रेस्ट लेके इसके बाद मिलेंगे। डे की रूटीन क्या रहता आज का डे, थोड़ा कल तबीयत ख़राब हो गई थी, ज़्यादा ब्लॉग नहीं निकाली मैं वीडियोस, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ठीक है, टैबलेट्स डाल ली, थोड़ा वीकनेस हो गया, इफ्तारी हम लोगों की दही वड़ा, तरबूज, खजूर, मीठा। ऐ अल्लाह हमें काहिल ईमान नसीब फरमा, पूरे हिदायत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें पूरे रमज़ान के नेमत और बरकतों से माला माल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा, रिजा हलाल अता फरमा। मैं मौल साहब को ना मुल्ता, मेरे छोटे भाई को भी है ना, रमजान वाले बहुत पढ़ा बोलता, ठीक है ठीक है, नहीं बोलो। यहाँ पर मैं इफ्तार कर लेके मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जा, नमाज़ भी छा रही, मैं नमाज़ पढ़ रही मग़रिब की,
सब लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद। यहाँ पर मैं ईशा की नमाज़ और तरावी की नमाज़ अदा कर ली, फिर से बैठी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए। देखो मेरा कौन सा पारा चल रहा, 23वां पारा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाती है कुरान शरीफ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में दरख्वास्त।